तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था 29 जून को फिल्म करना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से मैं भोपाल जाने वाली थी। 1 जुलाई को मेरी टिकट्स बुक हो चुकी थी एंड 30 जून को मुझे मेरे पापा के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। तो मैं इस व्लॉग को कभी भी अपलोड नहीं कर पाई। एवरी टाइम मैं जब भी इसको एडिट करने का सोचती थी मैं हमेशा रुक जाती थी बीच में। नाउ द सिचुएशन इज़ रियली बेटर, तो मैंने सोचा मैं इस व्लॉग को अपलोड करती हूँ आज। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अभी शाम को व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना एंड आई एम रियली 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 एक्साइटेड। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली कल मेरे पास ना एक मेल आया था। सो मेल जो स्टार्टिंग लिखा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर डायसन के साथ कोलैबोरेट किया है तो कैसा लिखा आता है, रुचि एक्स डायसन। ठीक है, मामाअर्थ के साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ मैं तो रुचि एक्स मामाअर्थ, रुचि एक्स दिस, रुचि एक्स नाइकी, ऐसा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, किसी भी ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेट करते हो तो ऐसा लिखा आता है। तो जैसे ही वहां पर वो मैंने मेल देखा ना, आई वॉज जम्प्ड। पहले तो मैंने वो मेल चेक किया कि फेक नहीं है, उसके बाद जब मैंने वो मेल देखा आई कुड नॉट बिलीव। मतलब मैं 2 मिनट के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैंने विक्की को आवाज़ लगाया, मैंने कहा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मैंने उसको मेल दिखाया, उसको एक्साइटमेंट में बुलाया और उसको मेल दिखाया एंड ओ माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड। मेरे को अभी बोलते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। तो बेसिकली अभी मैं नाम नहीं बताऊँगी, नाम आपको जो कल का व्लॉग आएगा, जो नेक्स्ट इसके बाद व्लॉग आएगा उसमें पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन सी इवेंट में जा रही हूँ। सो बेसिकली क्या है ना, जो ब्रांड है इसलिए भी इतना ज़्यादा स्पेशल है। विक्की ने जो मुझे फर्स्ट कोई गिफ्ट दिया था, तो उसके एक फ्रेंड है जो यूएस से आ रहे थे, फ्रेंड से मंगवाया उसने और वो मुझे गिफ्ट किया। सो उसका प्रोडक्ट अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस। उन लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया है फॉर द इवेंट, उनका एक इवेंट स्टार्ट हो रहा है और वो यहाँ पर नहीं है, दैट इज़ इन भोपाल। सो मैं इतना हंस रही थी, 2 दिन पहले मैंने व्लॉग बनाया था जिसमें मैं, विक्की ने ट्रैवल किया भोपाल में, मैं उसको ये बोल रही थी, मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाने वाली भोपाल, और देखो मैं तो क्या आ गया। इसमें मैं मना भी नहीं कर सकती, मैंने बोला यार ये ना दिस इज़ लाइक अ एक अपॉर्चुनिटी बोल लो या एक जो भी बोल लो, आज से 5-6-7 साल पहले जिस ब्रांड के लिए हम पागल, मैं तो पागल हो जाती थी, ओ माय गॉड दिस ऐसे करके, मतलब सिंगापुर एंड बाली में जाकर के मैंने उस ब्रांड से शॉपिंग करी थी। सो जिस ब्रांड के लिए मैं पागल हो जाती हूँ उस ब्रांड का मेरे पास खुद से मेल आया है, आपको पता चलेगा, मैं उसको मना नहीं कर सकती। अब सेकेंड चीज़ ये आती है, तो सबसे पहले हम लोग पैकिंग करेंगे, ये वन डे जर्नी होने वाली है। अब तीसरी चीज़, अब हाँ, अब इतने बड़ा इवेंट होने वाला है, ये होने वाला है, तो पहना क्या जाए, क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ। सो आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स एंड वो लोग कुछ अच्छा पहन कुछ अच्छा पहन कुछ अच्छा पहन कुछ जाकर के भले शॉपिंग करके आ जाए बट कुछ अच्छा पहन, यू हैव टू वेयर समथिंग रियली गुड। तो मैंने सोचा भी, क्योंकि मैंने जब बाकी लोगों को देखा है, ब्लॉगर्स एंड व्लॉगर्स को देखा है, जब वो इस तरीके के इवेंट में जाते हैं वो एकदम ऑन द गो शॉपिंग पे जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं महंगे से और उस इवेंट में पहनते हैं, तो पहले मैंने सोचा यार मैं भी थोड़ी कॉन्शियस हो रही थी कि वहाँ पर सब आएंगे, तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे शॉपिंग करना चाहिए, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू वियर इट, कोई ऐसी चीज़ जो मैं पहले भी पहन चुकी हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है उसको दोबारा पहनने में, पैसे देके खरीदा है तो हम 100 बार पहन सकते हैं उसको, भले ही कितना भी बड़ा इवेंट क्यों ना हो। सो अब हम वार्डरोब को ओपन करके मैं देखना चालू कर रही हूँ कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, क्या पहना जा सकता है क्या पहना नहीं जा सकता है। मैं मम्मी से पूछ रही थी भोपाल का वेदर कैसा है, तो मम्मी कह रही थी बहुत ज्यादा गर्मी है। ते निकालती हूँ मैं क्या निकाला जा सकता है और क्या पहना जा सकता है। ओके, फॉर कंटिन्यू वीडियो, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि मेरे बाल आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा एकदम झकास लग रहे हैं, मतलब इतने ज्यादा मैनेजेबल लग रहे हैं। योर हेयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ यू, तो क्यों ना आपके बाल एकदम फेबुलस एंड रिमार्केबल रहे जैसे आप हैं आपकी तरह। प्रेजेंटिंग द इंटेंस मॉइस्चर रेंज फ्रॉम बी ब्लंट एनरिच विद इंग्रीडियंट्स लाइक जोबा एंड विटामिन ई, दिस रेंज विल मेक योर हेयर सॉफ्ट, इंक्रीज इलास्टिसिटी एंड एड शाइन टू योर हेयर। ये एक पावर पैक फॉर्मूला है जो कि आपके बालों को हैवी नहीं बनाता है, तो आपको कोई भी महंगे ट्रीटमेंट्स करवाने की जरूरत नहीं है, आराम से इस प्रोडक्ट के साथ, इस प्रोडक्ट रेंज के साथ अपने घर पर ही अपने बालों को आराम से मैनेजेबल बना सकते हैं। तो मैंने आज जो रेंज यूज करी है वो यही रेंज यूज करी है, दिस इज द शैम्पू, अमेजिंग अमेजिंग शैम्पू है। सो जो इंटेंस मॉइस्चर रेंज है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है अवोकैडो जजोबा ऑयल। सो बेसिकली जो अवोकैडो है इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ बायोटीन, इट नरिशेज मॉइस्चराइजेज एंड स्मूदन्स द हेयर, और जो जजोबा ऑयल हैज रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, सो इट एक्ट एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर। तो ये आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट देता है आपके बालों को, और साथ ही साथ एक अच्छी शाइन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैंने शैम्पू यूज़ किया है और उसके बाद मैंने कंडीशनर यूज़ किया है। सो इंटेंस मॉइस्चर रेंज की जो पैकेजिंग है वो चेंज हो चुकी है, तो शैम्पू है वो 300 ml बॉटल में आता है और जो कंडीशनर है वो 250 ग्राम बॉटल में आता है। यूज करने वाली हूँ ये बी ब्लंट का इंटेंस मॉइस्चर हेयर सीरम, तो थोड़ा सा बिल्कुल एकदम पी साइज अमाउंट अपने हाथों में लेना है, एकदम थोड़ा सा लाइक दिस,
और इसको अपने बालों में लाइक हाफ सेक्शंस में आपको लगा लेना है लाइक दिस। आप ये जो पूरी रेंज है ये आपके बालों को सैलून लाइक हेयर देती है घर पर ही। द वे योर हेयर बिकम्स व्हेन यू गेट योर हेयर वॉश्ड इन अ सैलून, बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट आपको घर पे मिलता है। प्रोडक्ट्स की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे जो कि है रुचि 20, आपको मिलेगा 20% ऑफ बी ब्लंट के वेबसाइट पे। ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप Amazon, Flipkart, Nykaa से परचेस कर सकते हैं। सो बी ब्लंट जो है इज अ प्रीमियर हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड व्हिच इज सिनोनिमस एंड कटिंग एज हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर केयर। ओह यस, सो मुझे तो ये इंटेंस मॉइस्चर रेंज बहुत ही ज्यादा पसंद आई, highly recommended because बाल बहुत ज़्यादा soft feel कर रहे हैं। So every time you buy from them, B Blunt will link your order to a women they empower with Sambhav Foundation. They are on a mission to empower 10,000+ women across the nation. तो आप अच्छा product ले रहे हैं साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे cause में contribution भी दे रहे हैं। अब हम start करते हैं खतरनाक part जो कि है dress सिलेक्शन का। ओके, सो आई गॉट दिस काजो का, ये जो ब्लैक ग्रे कलर का मैंने एक ही ना परचेस किया था काफी पहले और इसको मैंने आज तक पहना नहीं, भगवान जाने क्यों नहीं पहना है। मैंने शायद बर्थडे के लिए परचेस किया था ना, लगेगा भी बहुत सही। और मैं सोच रही हूँ इसको मैं पहन के देखती हूँ, अपने ब्लैक कलर का जो स्कर्ट है, शॉर्ट स्कर्ट है डेनिम टाइप का, उसके ऊपर पहन के देखती हूँ। उस पर अगर ये मस्त लगेगा तो फिर मैं यही पहनती हूँ। और एक दो और पहले चीज देख लेते हैं। तो हमेशा ऐसा कुछ होना तो अपना वार्डरोब सर्च जरूर करना चाहिए। आई गॉट टू मोर ड्रेस। एक तो मेरे को ये ब्लैक कलर का स्कर्ट मिला है जो कि बड़ा ही सही लग रहा है, मैंने स्टॉक बाय लव से लिया था। और दूसरा मुझे एक ये ड्रेस मिला है, थोड़ा कैजुअल सा है, ये है नॉर्मल सा ब्लैक कलर का ये और इसके अंदर वाइट टॉप। तो मैं टॉप चेंज करके सोच रही हूँ इसको भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ। तो और हाँ, और दूसरा मैंने ना ये वाला वेरोमोडा का एक और ड्रेस निकाला है, इन्हीं में से मैं कोई एक ड्रेस पहन लूंगी। मैं ढूंढ रही हूँ मेरी स्कर्ट, वो नहीं मिल रही है, तो अब सिलसिला चालू होगा ढूंढाई का। तो एक ना बहुत ही फनी चीज बताती हूँ, जब कोविड स्टार्ट होने वाला था तो हम लोग मार्च में दुबई, जिस मंथ कोविड स्टार्ट होने वाला था, हम लोग मार्च में दुबई का प्लान कर रहे थे। दुबई और थाईलैंड, इन दो जगह में से हमारा प्लान चल रहा था, आसपास ही दुबई या थाईलैंड हम प्लान कर रहे थे। और क्योंकि पता था कि मार्च में जाने वाले हैं तो दिसंबर में सेल वेल लगी थी, तो मैंने प्रोडक्ट्स बोल रही हूँ अपने ड्रेसेस ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिए थे। अब मैं वो भूल चुकी हूँ, 2-2.5 साल में मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि मेरे पास इस तरीके के कोई कपड़े रखे हुए हैं। अभी एक पोटला टाइप का बैग मैंने जस्ट खोला अभी, मुझे इतनी हंसी आ रही है उसको देख करके। मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ, टैग लगे हुए, भगवान जाने ये अब मुझे फिट भी होंगे कि एकदम, अभी भी प्री शॉपिंग नहीं करना चाहिए, सच बता रही हूँ। नाउ लुक एट दिस, ठीक है, ये मैंने शायद जिंजर विंजर से परचेस की थी ड्रेस, फिर उसके बाद ये ड्रेस वेस्ट साइड से, तो ना कूचड़े हो चुकी हैं इसके, तो कूचड़े धूचड़े सब हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद ना इसमें ये रही, ओ गॉड सच अ प्रिटी ड्रेस, ये वाली तो इतनी ज़्यादा प्रिटी ड्रेस है ना कि बहुत ज़्यादा प्रिटी है। इसको मैं अभी कभी, ये भी पता नहीं मैंने क्या लाइफस्टाइल जैसा एक साथ सब उठाया था, क्या किया था, तो इसमें ना यही सब चीज़ें रखी हुई हैं। जो स्कर्ट था वो मुझे मिल गया है, अब मैं सब पहन पहन के देखती हूँ। ओके, सो नाउ लेट मी शो यू दिस ड्रेस, दिस इज द ड्रेस। सो एनीवेज ये इतनी ज़्यादा शॉर्ट, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं लंबी हो गई हूँ या तो पता नहीं, एंड थोड़ी फिटेड भी हो गई है। तो डेफिनेटली भी 2 साल या 2-2.5 साल एज के साथ आपकी बॉडी भी फैट नहीं बट थोड़ा सा मसल गेन भी होता है। ओके, नाउ लेट मी शो यू द नेक्स्ट ड्रेस। आई थिंक आई एम फाइनलाइजिंग दिस वन बिकॉज दिस इज लुकिंग परफेक्ट, लेट्स सी, है ना। सो ये एकदम सही स्मार्ट लग रहा है। नीचे अंदर मैंने ना ट्यूब पहना हुआ है, ये ड्रेस मैंने अभी तक कभी पहना नहीं है, यू नो, तो दिस इज लाइक अ ब्लेजर वाला वाइब ट्यूब और मुझे ऐसा कुछ पहनना था। आई एम गोइंग टू फाइनलाइज दिस ड्रेस, सो यस आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्यूट, है ना। ये भी बहुत सही, मतलब इसके अंदर व्हाइट कलर की टी शर्ट है प्लेन, बट मैंने ऐसे येल्लो पहन ली है, तो ये भी काफी, ये क्यूट सी है, बड़ी ऐसे नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ मॉल वॉल जा रहे हो उसके लिए ठीक है, इट्स नॉट फॉर एन इवेंट। ओके गाइस, तो ड्रेस फाइनल हो चुकी है, विक्की भी आ चुका है ऑफिस से और वो जैसे ही आया है मैंने उसको एक काम पे लगा दिया है, तो मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये हमारा पसारा है, दिस इज आवर यूजफुल मेस यू कैन से दैट, बिकॉज कभी कभी काम आ जाता है इसका बहुत ज़्यादा। हमने यहाँ पर जो स्टोरेज बनाया है ना उसमें रखते हैं, यहाँ पूरा हमारा लोहा लंगड़ वायरिंग ये सारी चीज़ें ही इसमें रखाती है ऐसे स्टोरेज में। यहाँ पर ना हम लोगों ने, मैंने एक और लाइट्स मंगवाई थी, छोटी वाली लाइट दिख रही है एक्रेलिक, ये लाइट मंगवाई थी। तो जिन लोगों को लगता है कि ग्लास है, गाइस ये ग्लास नहीं है, ये एक्रेलिक लाइट्स हैं, और वो जो ऊपर है ना वो भी एक्रेलिक है, क्योंकि ये लाइट थोड़ी कम लगती थी मेरे को। सो देखते हैं यहाँ पर लगने के बाद ये कैसा लगने वाला है। मैंने पूरा फिट तो कर दिया है बट मुझसे ना एक गड़बड़ी हो रही है कि वायरिंग नहीं हो रही है मुझसे,
तो वो जो वायरिंग है वो विक्की करने वाला है एंड फिर देखते हैं, बहुत ड्रीमी सी लगेगी फिर ये। तो ये देखिए विक्की कर रहा है अपने काम। लिविंग रूम मेकओवर में किसी लड़के ने, मतलब वो मेरा व्यूअर तो नहीं है फॉर श्योर, उसने मेरे को फर्स्ट टाइम ही लाइफ में कमेंट किया था, क्योंकि मैं देख लेती हूँ, चेक करती हूँ कि कितनी बार कमेंट आया है। तो वो मेरे को लिखता है, कहते मैडम जी 3,000 रुपये तो आपके सिर्फ लिविंग रूम का ही बिल आएगा अगर आप ये सारी लाइट जलाएंगी। तो भाई मैं नहीं सारी लाइट जलाती हूँ, तो पता नहीं अब वो ये वीडियो देखेगा भी कि नहीं देखेगा, पर अगर इन केस किसी और के दिमाग में आता हो इतनी लाइट्स लगवा ली है, देखो लगवाना अलग चीज़ है और जलाना अलग चीज़ है। आप अभी भी देखो इतना वेल लिट लग रहा है ये, जस्ट बिकॉज ऑफ जो LED स्ट्रिप हमने ऊपर लगवाई है ना, ये वाली जो ऊपर दिख रही है आपको, ये LED स्ट्रिप जो है यही पूरी हम लोग जलाते हैं। ये सिर्फ ये जो दो कॉर्नर्स वाली लाइट है, ये अगर जलाना होता है तो जलाते हैं, अदरवाइज ये भी हाँ। सो दिस इज द लाइट जो पूरे घर में ऐसे यूज हो जाती है, बाकी ये मंदिर की जला के रखते हैं, बाकी और ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। काफी लिट अप ऑलरेडी आप देख ही सकते हो, मेरे फेस पे लिट अप आ जाता है, बट येल्लो बहुत ज्यादा लगता है, इसके लिए मैं ये वाली व्हाइट लाइट जलाई हुई हूँ। ये नाउ दिस इज फाइन। सो अब देखते हैं, विक्की ने लगा तो दी है लाइट्स, लग गई हैं चालू करके। सॉरी दोनों चल रही है, अमेजिंग। अब इसको परमानेंट वाली रख दो, जी बैठ गए हैं खाना खाने। तो हम लोग अभी यहीं नीचे ही खाना खाते हैं, बिकॉज डाइनिंग टेबल पे यहाँ ऊपर ना कुछ फैन वगैरह है नहीं और AC नहीं लगाया है, तो गर्मी लगती है इधर पे, तो पहले यहाँ पे कुछ लगाएंगे उसके बाद ही यहाँ बैठ पाएंगे। तब तक ये हमारा एज अ कुछ भी बाहर से आता है तो वो सामान हम इस पे रखते हैं और नीचे खाना खाते हैं TV देखते हुए। मैं अपने लिए सेक रही हूँ आलू टिक्की, विक्की को दे दिया मैंने 2 तल करके। Raised our shadows among the pines, so offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich. Okay, guys, so I'm having my dinner. This is my dinner. और विक्की की कॉल स्टार्ट हो गई तो वो भागा फटाफट करके, ऑफिस से आने के बाद भी बहुत काम रहता है। So guys, time हो रहा है 10:15 और दिस इज द सिचुएशन जो मैंने शाम को पहना था ना, वो ऐसे ही पटक दिया था, मतलब लिटरली ऐसे ही पटक दिया था। और मैं सोच रहा था कि मैं डायरेक्टली अपना जो ट्रॉली है उसमें पैक करना स्टार्ट कर दूंगी, बट खाना खाने के बाद मैं सोचती हूँ बहुत सारी चीज़ें कि मैं इसके बाद ये कर दूंगी, बट खाना खाने के बाद मुझसे कुछ नहीं होता। मैं 2 घंटे तक अपने जहाँ पर खाना खाया वहीं पर बस प्लेट रख के आकर के पड़ी थी, फिर अभी मैं गैस वैस और किचन क्लीन करके आई हूँ, फटाफट से इसको रखती हूँ, कल पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज 9 बजे के बाद ना बॉडी प्रोसेस नहीं करती मेरी, तो भाई बैंड बज जाती है, तो फटाक से इनको रखती हूँ। ओके गाइस, जैसे नॉर्मल मेरा रूटीन चलता है वैसा मेरा रूटीन चल रहा था। आज सुबह तक मैंने शूट किया एंड सडनली मुझे पता चलता है विक्की को ये अपडेट काफ़ी सुबह से था, बट मेरे पास अपडेट थोड़ा लेट आया। ऐसे नहीं, मतलब उसने बहुत कामली मुझे बताया कि पापा के बैक में स्टिफनेस है और इस वजह से उनको फ्रैक्चर हॉस्पिटल लेके गए हैं, एक्सरे हो रहा है।
तो मुझे सुन के बहुत वियर्ड लगा कि स्टिफनेस की वजह से एक्सरे लेकर. तो मैंने तुरंत मम्मी को फ़ोन लगाया ऑब्वियसली सुनने के बाद. और जैसे ही मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया तब मुझे पूरा सिनेरियो पता चला. तो उनका जो स्पाइन है ऑब्वियस जो पीछे की हड्डी होती है वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम बताया गया है. इतना ही अपडेट अभी मैं दे पाऊँगी. वो सर्जरी डॉक्टर ने बोली है. वैसे सुन करके मैं पैनिक बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं कैसे भी जाके मिल लूँ अपने पापा से. हालांकि मैं मम्मी से हर आधे घंटे में बात कर रही थी. सब लोग पहुँच गए थे, मेरी मासी एंड सो मतलब बहुत सारे हमारे रिलेटिव रहते हैं, मेरे इन लॉज वगैरह सब वहाँ पर पहुँच गए थे हेल्प के लिए. और मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरी फ़्लाइट क्योंकि ऑलरेडी बुकड है कल की, तो हम पूरा ट्राई कर रहे थे कि हमारी आज की कुछ हमको अवेलेबल मिल जाए. बट आज की मेरे को टिकट्स नहीं मिली है. मिल भी रही है तो रात को 11 बजे की मिल रही है. तो अब मैं रात को 11 बजे पहुँचूँ या मैं सुबह 9 बजे पहुँचूँ एक ही बात है. तो फिर फाइनली मतलब सबने मेरे फादर इन लॉ वगैरह सबका फ़ोन आया था क्योंकि सबको पता है मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मम्मी पापा के ऊपर आता है. तो सबके फ़ोन आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं हम लोग हैं, इतना कुछ वो नहीं है, आराम से आओ, ऐसे घबराते हुए मत आना. तो अब मैं बस कल निकल रही हूँ. मतलब सुबह तो ऐसा हो रहा था कि मैं इतनी बेचैन हो गई थी कि मुझसे कुछ रहा ही नहीं जा रहा था. तो फिर आई वेंट टू माई फ्रेंड्स प्लेस, वहीं पर मैंने खाना खाया क्योंकि मेरे तो अकेले यहाँ बैठ करके गले से नीचे खाना ही नहीं उतरता. और फिर अभी पापा इज इन ICU जिस चीज़ के लिए जा रही थी. थैंकफुली मेरी टिकट्स थी और मैं वहाँ जा ही रही थी ऑलरेडी, तो ज़्यादा हमको टिकट्स विकेट्स का इतना कुछ इशू नहीं हुआ. तो मैं कल भोपाल निकलूँगी एंड